आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सीएम नीतीश कुमार का फोन जाने के बाद से बिहार में राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं कि जेडीयू एनडीए से अलग होकर वापस गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में इलाज करवा रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पास बिहार के सीएम नीतीश कुमार का फोन जाने के बाद से सूबे का सियासी पारा गर्म है। नीतीश कुमार ने फोन पर लालू यादव की सेहत का हाल जाना, लेकिन अटकलें उनकी महागठबंधन में वापसी की लग रही है। हालांकि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ऐसी संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन में वापसी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए लिखा कि यह आश्चर्यजनक है कि नीतीश कुमार को लालू यादव की बीमारी के बारे में 4 महीने बाद पता चला। तेजस्वी की इस प्रतिक्रिया के बाद नीतीश कुमार के लिए अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। बीजेपी आम चुनाव 2019 के लिए जेडीयू को 12 सीटों से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है और जेडीयू इतनी कम सीटों पर समझौता करने को राजी नहीं हो रही। कम सीटों का ऑफर मिलने की वजह से जेडीयू खुलकर बीजेपी पर हमले कर रही है। अंकुश चौबे की रिपोर्ट, गो न्यूज़।